maga pamada pare re gamada ni sa ni ni da pare gare ne da ni re gamada ni sa e ri ale ne re gama pare gamada ni sa mamada ni sa ni ni da pare gare sa ne re gamada ni sa ni mada ni sa ni mada ni sa e ri ale रियाज एप्लीकेशन जो बहुत ही खास ग्राफिक डिजाइन के साथ बनाया गया है, जिस वजह से नए गायन सीखने वालों को अति सहजता से गायन कला को सीखना संभव है। वैसे यह ऐप फ्री है। अगर आप गायन सीखते हुए एक्सपर्ट गुरुजनों का परामर्श लेना चाहते हो तो इस ऐप का पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें बहुत सारे एडवांस फीचर है। आप इस ऐप की मदद से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बॉलीवुड सॉन्ग्स और बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं भी यह ऐप यूज करता हूँ, आप भी यह ऐप डाउनलोड जरूर करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। अगर आप एडवांस पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज करें, जिस कारण आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। सभी गुणीजनों का हारमोनियम प्रफुल्ल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो हारमोनियम सीखना चाहते है उनके लिए यह वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। इसमें मैं हारमोनियम की जानकारी दूंगा और बेसिक अलंकार आपसे प्रैक्टिस करवा के लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में देखिए, ये ब्लैक की है और ये वाइट की है। इनकी गिनती कहाँ से शुरू की जाती है देखिए। इसमें ब्लैक 1 2 3 4 5, फिर से ब्लैक 1 2 3 4 5, फिर से ब्लैक 1 2 3 4 5, ऐसी गिनती की जाती है। तो सफ़ेद वाइट की पे वाइट 1 2 3 4 5 6 7 तक गिना जाता है। फिर से वाइट 1 2 3 4 5 6 7, फिर से वाइट 1 2 3 4 5 6 7। तो ब्लैक 1 में, काली 1 में, सी शार्प में आज सारे गमो पधनिसा का अभ्यास करेंगे। एक सप्तक किसे कहा जाता है यह देखकर सुरों के एक्सरसाइज पलटे स्वरालंकार का अभ्यास करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अभी जो मैंने स्वर गाए वो सभी शुद्ध स्वर कहलाते हैं। सा रे से ऊपर के सातक 12 स्वर आते हैं। अभी जो मैंने बजाए वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस सप्तक में सा, जिसका पूरा नाम है षड्ज, और प, जिसका पूरा नाम है पंचम, सा और प, यह दोनों स्वर अचल स्वर कहते हैं। इन दोनों में कुछ बदलाव नहीं होता। बाकी रे, यह रे शुद्ध ऋषभ है, तो इसका दूसरा स्वरूप सप्तक में मिलता है, जिसे कोमल ऋषभ कहा जाता है। कोमल रे, वो रे वैसे ही
यह शुद्ध गांधार है, शुद्ध ग ग, तो इसका दूसरा रूप है कोमल गांधार, कोमल ग ग। म, यह शुद्ध म है, म। तो सप्तक में एक ही ऐसा अकेला स्वर है जो तीव्र होता है, म, तो इसका स्वरूप है तीव्र म, म। उसके बाद प, जो अचल स्वर है, ना कोमल होता है ना तीव्र होता है, वो अपने जगह पर स्थिर रहता है, प। उसके बाद ध, शुद्ध ध, ध, तो उसका कोमल स्वरूप एक स्वर नीचा, ध। अब सप्तक का आखिरी सुर निषाद यानी नी, शुद्ध नी, नी, नी का कोमल स्वरूप एक स्वर नीचा, नी। इस तरह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो बारह सुरों का एक सप्तक होता है। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऊपर का सा क्यों नहीं, यहाँ से दूसरा तार सप्तक शुरू होता है, इसलिए यह सा इस मिडल ऑक्टव में, मध्य सप्तक में गिना नहीं जाता। तो सप्तक है बारह सुरों का, उसमें सात शुद्ध स्वर, रे ग धानी चार कोमल स्वर और म का तीव्र स्वरूप तीव्र म, यानी कुल मिलाकर बारह सुर। दुनिया का पूरा सारा संगीत इस बारह सुरों में समाया हुआ है, तो इसलिए ये बारह सुर जानना बहुत जरूरी है। पहले तो सात शुद्ध स्वरों में स्वरालंकार बजाकर इन शुद्ध स्वरों के स्वरूप को जानना पहचानना जरूरी है, और बाद में कोमल स्वरों का भी अभ्यास अपने आप आगे आगे होते जाता है। मैंने अभी एक सप्तक बताया है, सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। वैसे ही हारमोनियम पर तीन सप्तक मिलते हैं, ये मिडल ऑक्टेव यानी मध्य सप्तक हो गया, जिसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा होता है। इसके नीचे लेफ्ट साइड को मंद्र सप्तक कहते हैं, लोअर ऑक्टेव, जो मैं अभी गाकर बताऊंगा। ये मंद्र सप्तक है, जो डिजाइन मध्य सप्तक में मिलती है वही डिजाइन मंद्र सप्तक में भी मिलती है। मंद्र, मध्य और ऊपर का तार सप्तक, हायर ऑक्टेव, जो इस षड्ज से शुरू होता है। तार सप्तक जो इस षड्ज से आगे है, जो मध्य सप्तक में सुरों की डिजाइन है वही तार सप्तक में है। तो मंद्र, मध्य और तार, लोअर, मिडल, हायर, ऐसे तीन ऑक्टेव, ऐसे तीन सुरों के सप्तक मिलते हैं। एक सप्तक में बारह सुर, शुद्ध स्वर सात, चार कोमल और एक तीव्र स्वर, ऐसे कुल मिलाकर बारह सुर। तो बारह सुरों में अभ्यास करना जरूरी है। शुरुआत में शुद्ध स्वर के अलंकार आज मैं बताऊंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज जो स्वर अलंकार की प्रैक्टिस करने की है वो मैं पहले बताऊंगा, सुर बताऊंगा, हारमोनियम पे कौन से की लगते हैं, उसके बाद मैं निर्धारित उंगलियां जो हर एक सुर के लिए है वो मैं बताऊंगा। चलो देखते हैं। सा रे ग म प ध नी सा सा नी धा पा।
ये आरोह हो गया, असेंडिंग स्वर। तो आरोह में यह उंगलियां लगती है, 1 2 T 1 2 3 T 1। वही उंगलियां अवरोह में लगती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 1 T 3 2 1 T 2 1। फिर से एक बार देखते हैं, 1 2 T 1 2 3 T 1। अवरोह 1 T 3 2 1 T 2 1। यही उंगलियां यूज करके आप सारेगम बजाएंगे तो आगे चलकर जलद गति में आप हारमोनियम बजा सकते हैं। आप मेरे साथ इस अलंकार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, ताल तीन ताल लगाऊंगा, उसके साथ सारेगम पधनिसा बजाएंगे। पहला अलंकार आप देख चुके हैं, इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा अलंकार देखेंगे, डबल सुर का अलंकार, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी
सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा चलो तीसरा अलंकार देखेंगे, चार सुरों का, सारे गामा रेगा मापा गामा पाधा मापा धनी पधनी सा। सारे गामा रेगा मापा गामा पाधा मापा धनी पधनी सा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा हारमोनियम और सुरों की बेसिक जानकारी लेते हुए तीन प्रकार के स्वरालंकार का अभ्यास आज किया है। यह अभ्यास अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे। यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट देना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।